हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो, आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग, और उसके अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे पी स्केल क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, पीकेए क्या होता है, यानी कि स्मॉल पी का मतलब क्या है, और स्मॉल पी का मतलब जो होगा वो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलते हैं। आवाज चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये पी स्केल क्या होता है। एक्चुअली इस स्केल को डेवलप किया था साइंटिस्ट सोरेनसन ने। और पी वर्ड को, जो पी है, स्मॉल पी है, इसका मतलब होता है माइनस लॉग 10 बेस पर। पी का मतलब है पी इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस। मतलब यह कि यदि आप पीएच लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब है माइनस लॉग एच एन कंसेंट्रेशन, ओके। और यदि आप पीओएच लिखना चाहते हो, माइनस लॉग ओएच आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। और यदि आप पीकेए लिखना चाहते हो तो माइनस लॉग के ए। यदि आपने लिखा पी के डब्ल्यू तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक। अब जेटा, यदि मैं ये कहता हूं कि एसिटिक एसिड है, ओके, ठीक है, इस एसिड का के ए 1.8 × 10⁻⁵ है, ठीक है। और मैं सब बच्चों से कहूंगा कि बेटा यहां इस वैल्यू को याद रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैल्यू आयनिक में यही है। तो बेटा मैं इसका पीके निकालना चाहूं तो इसका पीके आ जाएगा माइनस लॉग के ए, ये आ गया, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग 1.8 माइनस 5 लॉग 10, ओके। और इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाता है 4.7447, ठीक। तो इसको सॉल्व करके पीके की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि चलो सर ठीक है, तो एक बात याद रखिए बेटा कि पीके और के में एक बात सिंपल सी बात है कि यदि के बड़ा है तो पीके छोटा होगा, और के छोटा है तो पीके बड़ा होगा। ये आमतौर पे, जैसे मैं आपसे कहूं कि दिस इज एसिटिक एसिड, इसका के है 1.8 × 10⁻⁵, और ये है फॉर्मिक एसिड, इसका के है 1.8 × 10⁻⁴, ठीक है। तो इसका जो पीके आएगा, ये आएगा 4.7447, और इसका पीके होगा 3.7447, ओके। तो जिसका के बड़ा होगा, उसका पीके छोटा होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि हम के बेसिस पे जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं तो जिसका के ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, ऐसे ही हम बोलेंगे जिसका पीके कम होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, ओके। चलिए, अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज एच एन ओ एच एन, ओके, तो बेटा इसके लिए KW की वैल्यू हो जाएगी HN कंसेंट्रेशन इनटू OHN कंसेंट्रेशन, ठीक है। और KW की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁴, तो PKW जो होगा वो कितना होगा, तो PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग KW, यानी कि माइनस लॉग 1.0 × 10⁻⁴, यानी कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू
दिस. ओके, ठीक है. अब बेटा एक चीज और हम बताएं आपको, पीएच और पीयूएच, क्योंकि जब सॉल्यूशन में एचएन और ओएचएन होता है, कि जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, कि ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में केवल एचएन होगा या ओएचएन, यदि एचएन है तो ओएच भी होगा, ये एक बात अलग है कि कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोनों होंगे और दोनों का प्रोडक्ट केडब्ल्यू के बराबर होगा, वो जो भी टेम्परेचर वहां होगा. चलिए एक मिनट, हम लोग यहां आपको एक रिलेशन बताते हैं पीएच और पीओएच में, किस तरीके से इसको रिलेशन को, इसको ए ये, मैं बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करूंगा. एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10^-14 है और 50 पर के डब्ल्यू 10^-12 है. ठीक है, यदि मैं आपसे ये कहने लगूं के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच एन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच एन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14, तो इधर लिखना पड़ेगा एच एन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच एन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दिस. मतलब एक कंपैरेटिवली आप चीजों को महसूस करिए, जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं. अब यहां फील करना इंपॉर्टेंट है. अब जरा देखिए बेटा, इसमें इसका मतलब यह हुआ कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच एन इंटू एच. ठीक है, तो यदि बेटा मैं यहां नेगेटिव लॉगरिथम ले लूं दोनों साइड में और इधर भी नेगेटिव लॉगरिथम, तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन प्लस माइनस लॉग ओ एच एन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस दिस माइनस माइनस 14 लॉग 10. ओके, तो ये बन जाएगा पीएच, ये बनेगा पीओएच और ये बनेगा 14. ठीक है, यहां पर हम बात करें तो यहां हो जाएगा माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन प्लस माइनस लॉग ओ एच एन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 12 लॉग 10. ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 12. ओके, तो यहां पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 12 और यहां पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14. बिल्कुल सही बात है, चीजें तो क्लियर है. अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, अब बच्चों ने तो एक रट मारी होती है कि सर न्यूट्रल न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच 7 होती है. मैं कहता हूं वो बच्चों को गलत है. आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 7 नहीं होती है, मैं ये कहता हूं कि न्यूट्रल पॉइंट पीएच 7 जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 50 पे नहीं होती. टेम्परेचर को यदि आप बढ़ा देंगे तो नेचर नहीं बदलती, केडब्ल्यू बदल जाता है, ऐसे ही स्केल भी बदल जाता है. मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका स्केल पीएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 है, सॉरी 25 पर, और 50 पर ये हो जाएगा स्केल बदल गया, नेचर नहीं बदली. पानी पहले भी न्यूट्रल था, 25 पे भी न्यूट्रल है, 50 पे भी न्यूट्रल है, 100 पे भी न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल ही रहेगा, उसकी नेचर, वो एसिड नहीं बन जाएगा, वो बेस नहीं बन जाएगा, क्योंकि वहां जितनी एच एन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ओ एच, वो दोनों इक्वल ही रहेंगी, तो फिर तो बेटा उनकी नेचर तो नहीं बदलेगी. ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर आप हमें ये स्केल वाली जो बात है वो हमें थोड़ा बताइए. देखिए अब यहां पर बेटा हम एक एसिड की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं बेटा 25, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जब मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, व्हेन, क्योंकि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच एन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच एन कंसंट्रेशन, व्हेन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, तो एच एन कंसंट्रेशन इक्वल टू ओ एच एन कंसंट्रेशन. ठीक है,
HN कंसंट्रेशन OHN कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि KW इज इक्वल टू HN कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, ओके। और ये किसके इक्वल है बेटा, 10^-14, तो HN कंसंट्रेशन 10^-7, तो pH कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 7। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट ये बेटा, HN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-pH लिख सकते हो, यानी कि HN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-pH, तो यानी कि ये pH कितनी हो गई, 7। तो यदि pH 7 है, pH 7 है, तो यहां pOH भी 7 ही होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, तो pOH भी क्या होगी, 7, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए हम 50 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं कि वहां पीएच में क्या प्रभाव है, चलिए वहां भी देखते हैं। वहां बेटा केडब्ल्यू 10^-12 इज इक्वल टू HN कंसंट्रेशन इंटू OHN कंसंट्रेशन, तो यानी कि ये हो जाएगा 10^-, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रल है, तो यदि न्यूट्रल है तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा HN कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, तो HN कंसंट्रेशन 10^-6, तो यहां pH 6 हो जाएगी, तो pOH कितनी हो गई, 6 हो, ठीक है। इसके अंदर बेटा एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर के चेंज करने से नेचर चेंज नहीं होती, pH चेंज हो जाती है। मतलब यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो pH कम हो जाएगी, तो बच्चे सोचेंगे सर pOH बढ़ जाएगी, नहीं बेटा, एवरी जहां जहां आपका पी लग गया वो सब के सब वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इसकी जैसे HN कंसंट्रेशन टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाएगी, तो pH कम, तो जब HN बढ़ रहा है तो OH भी तो बढ़ रहा है ना, तो वो भी बढ़, तो इसका मतलब जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सारी पी वैल्यूज किसी भी कॉम्पोनेंट की सारी पी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब कि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, pH घटेगा, pOH कम हो जाएगा, pKW वो भी कम हो रहा है, आप खुद देखिए बेटा, यहां 14 है, यहां पर 14 है, तो यहां पर कितना बेटा, यहां 12 आ जाएगा, ये भी कम, यानी कि P जहां जहां जुड़ेगा वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाता है, एक जनरलाइजेशन है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, चलिए बेटा। अब बेटा यदि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, ठीक है, अब एसिडिक सॉल्यूशन यदि है तो उसका एक ही लॉजिक है कि HN कंसंट्रेशन OHN कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, ठीक, और हमें मालूम है कि बेटा HN कंसंट्रेशन हो, यानी कि इसका मतलब है कि HN कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10^-7। अब जब HN कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भैया OHN कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10^-14 है, ठीक है। तो जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो HN, अच्छा, तो अब बच्चे कहते हैं सर HN बढ़ रहा है तो pH निश्चित सी बात है कम होगा, pOH कम हो रहा है तो निश्चित सी बात है बढ़ेगा, OHN कंसंट्रेशन यदि आपका 10^-7 से कम हो रहा है तो pH बढ़ जाएगा, और यदि HN कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के कंक्लूजन ये हुआ कि जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा और टेम्परेचर आपका 25 होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 होगी, ओके। चलिए अब बात आती है इधर, तो इधर हम कैसे करें, तो यहां पर बेटा आप ये देखिए कि HN कंसंट्रेशन OHN कंसंट्रेशन से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब HN कंसंट्रेशन बड़ी होनी चाहिए 10^-6 से, तो pH छोटी होनी चाहिए 6 से, और pOH बड़ी होनी चाहिए 6 से, यहां ये स्केल आ गया, ये 50 की बात कर रहा हूं, मतलब आप इस बात को आप रियलाइज करिएगा, क्योंकि गलतियां यही हैं, कंपैरेटिव स्टडीज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग गलत, तो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग उसको फील करें, समझें हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए अब बच्चा कहते हैं चलो सर ये तो ठीक है, ये एसिड के लिए कंक्लूजन हो गया, बेस के लिए
तो ठीक है बेटा, अब सॉल्यूशन बेसिक है। तो यदि बेसिक है तो OHN कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10^-7। तो HN कंसंट्रेशन लेस देन 10^-7, तो pH इज ग्रेटर देन 7 और pOH लेस देन 7। ये बात है जब सॉल्यूशन आपका बेसिक है। ओके, यहां पर हम बात करें कि यदि सॉल्यूशन 50 पर बेसिक हो तो रिलेशन तो यही होगा। तो यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो यहां मैं कहूंगा OHN कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10^-6 और HN कंसंट्रेशन लेस देन 10^-6, यानी कि pOH इज लेस देन 6 एंड pH ग्रेटर देन 6, राइट? ठीक है, चलिए। आपको बताया कि pH क्या होता है, pOH क्या होता है, लेकिन अब हम सिखाते हैं सॉल्यूशन की pH कैसे निकालते हैं। लेकिन बेटा डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन की pH को निकालने का डिफरेंट तरीका होता है। मैं बहुत सारे केसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कभी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूंगा, कभी स्ट्रॉन्ग बेस की, कभी वीक एसिड, कभी वीक बेस, कभी दोनों के मिक्सचर की बात करूंगा, कभी एसिड बेस मिक्सचर की बात। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनके सॉल्यूशन किए जाते हैं, और हर क्वेश्चंस को, हर टॉपिक को बहुत आसानी से करना होता है, जिसको हम लोग ओरली समझे। यदि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मुश्किल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो अब आपको और सतर्कता के साथ और कॉन्सेंट्रेट माइंड से आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। चलिएगा, सिखाते हैं आपको पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा मैं शुरुआत करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए अब बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 एटसेट्रा। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हम बात करें NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस। ओके, ये सब है स्ट्रॉन्ग बेस, बल्कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा भी इसको रहने दीजिए। तो बेटा इसके अंदर हम लोग कैसे इसकी पीएच निकालते हैं? सबसे पहले मान लो आपसे कहा जाए कि 1/10 molar HCl इसकी पीएच होता है, या आपसे ये कह दिया जाए कि 1/100 molar NaOH इसकी पीएच बताइए, इसकी पीएच। ओके, तो सबसे पहले बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ही यही होता है कि दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, मतलब कि आप इसको ऐसे लिखेंगे HCl H पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको आप ऐसे लिख डालेंगे दिस। तो अब यहां पर बेटा यदि ये 1/10 molar है तो ये जीरो हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो HN कंसेंट्रेशन आपकी हो गई 1/10, तो pH इज इक्वल टू -log 1/10, यानी कि जाएगा 1, तो इसकी pH 1 है। pH यहां 1 है तो pOH यहां 13 हो जाएगा। ठीक है, यहां ये 1/100 molar, तो ये 1/100, ये भी 1/100 molar, तो बेटा यहां OHN कंसंट्रेशन 1/100 pOH इज इक्वल टू 2, तो pOH इसकी 2 हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए। तो pOH इसकी एक, pH एक, इसकी pOH यदि 2 है तो इसकी pH आ जाएगी 14-2=12। ओके, तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH निकालना बिल्कुल बेसिक है।
मुझे नहीं लगता कि आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ। अब मान लिया जाए H2SO4, ठीक, इट इज 1/10 molar, BaOH होल ट्वाइस 1/10 molar, ओके, ठीक। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 1/20 कर दें, इसको भी 1/20 कर देते हैं, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को मैं एक स्ट्रांग बेस मान रहा हूं, ठीक है। अब यदि स्ट्रांग बेस है और ये स्ट्रांग एसिड है तो मुझे इसको ऐसे समझना पड़ेगा, 2H+ SO4⁻⁺, दिस इज 1/20, दिस इज 1/20 × 2, 1/20 × 1, HN कंसेंट्रेशन इज 1/10, pH इज इक्वल टू 1, ओके। यहां BaOH होल ट्वाइस गिव Ba++ प्लस 2OH⁻⁺, दिस इज 1/20, 1/20, 1/20 × 2, OHN कंसेंट्रेशन 1/10, POH 1, pH 13, और यहां आ जाएगा POH 13, ठीक है। बड़ा सिंपल केस हमने आप, लेकिन अब बेटा मैं किसी अलग सेक्शन, अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन, अब बेटा मैं एक ऐसा एसिड और बेस का सॉल्यूशन लेना चाहता हूं जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट हो, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास को आज हम यहीं विराम देते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि अब हम आपको जो डिस्कस करेंगे, कल जो मैं आपको अगली वीडियो में आपको मिलेगा, वो मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, मैंने एक कंडीशन आज आपके साथ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की रखी, लेकिन कल हम आपको पढ़ाएंगे कि जब ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं तब पीएच कैसे निकालते हैं, जब दो डिफरेंट एसिड मिला दिए जाते हैं तब पीएच कैसे निकालते हैं, जब एक एसिड और एक बेस मिलाया जाता है तब पीएच कैसे निकालते हैं, जब एक एसिड और एक उसका सॉल्ट होता है तब पीएच कैसे निकालते हैं, और जब किसी सॉल्ट को पानी में डाल दिया जाता है तब पीएच कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि हम कल इसको अपलोड करेंगे, और मुझे लगता है कि आप उस इंतजार में इसको अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे, और फिर आप अगली वीडियो में आप पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू बेटा।